हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक की। इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक कैसे लिया जाता है, क्या प्रोसेस रहती है, सारी जानकारी मिलेगी। इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लगाना बहुत ही आसान है, उसकी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर लेते हो, यानी कि सेटिंग कर लेते हो, आप पूरा सेटिंग कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपके इंस्टाग्राम पर पूरा ब्लू टिक आना तैयार हो जाएगा, यानी कि आपके ब्लू टिक लग जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक कैसे लगाया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, सारी जानकारी मिलेगी। बस आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, आपकी पूरी पूरी हेल्प होने वाली है। मैं हूं हिम किंग और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप बनने वाले हैं किंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो लेकर आता रहता हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक कैसे लगाया जाता है, सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों चलिए आप शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाए सीधा चलते हैं इंस्टाग्राम पर और क्या क्या प्रोसेस होती है सारी अपन पूरी कर लेते हैं। ये ऐप मैंने इंस्टाग्राम का ओपन कर लिया है। ऐप ओपन करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल के अंदर आ जाना है। प्रोफाइल पर आने के बाद अब आपको ऊपर थ्री लाइंस दिखाई दे रही होगी, तो इस पर आपको टिक कर लेना है। इस पर टिक करने के बाद अब आपको नीचे सेटिंग के ऑप्शन पर भी टिक कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन पर टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अकाउंट, तो बिना टाइम गवाए सीधा अकाउंट पर टिक कर लेना है। अकाउंट पर टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन, तो इस रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए। ये नाम डालने के बाद आपका अगर कोई निकनेम है तो वो भी डाल सकते हैं आप। वो डालने के बाद अब आप किस कैटेगरी पर वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, या फिर आपका किस कैटेगरी का अकाउंट है, वो कैटेगरी भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद प्लीज़ अटैच ए फोटो ऑफ योर आईडी, तो यहां पर आपको एक आपकी आईडी डालनी है, तो कोई भी आईडी आप डाल सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। वो डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पर टिक कर लेना है। सेंड के ऑप्शन पर टिक करने के थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है, तो आपका ये वेरिफिकेशन सबमिट हो चुका है, यानी कि अब आपके ब्लू टिक के लिए जो आपने वेरिफिकेशन किया है वो सबमिट हो चुका है। और आपको थोड़े टाइम, यानी कि 24 घंटे, 12 घंटे या एक दिन का जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी आईडी पर ब्लू टिक भी लग जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक आपको कैसे लेना है। बहुत सिंपल सी सेटिंग है, अगर आप ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर लोगे तो आपकी भी इंस्टाग्राम आईडी पर ब्लू टिक आज के बाद लग जाएगा दोस्तों, और बहुत ही सिंपल ट्रिक थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों सभी की हेल्प हो सके। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, देखते रहिएगा हमारा अपना हिम किंग ट्रेन। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।